बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं आपसे। कुछ देर के बाद राहुल गांधी इस रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं। अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट की ओर से अपना संबोधन किया जा रहा है। एक एक करके नेता आ रहे हैं और लाखों की तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद है उन सभी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबको इंतजार है राहुल गांधी का। एक तरफ आपको बताते चले आगामी अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे सवाल है, तो दूसरी तरफ कम से कम आज की इस रैली के जरिए राहुल गांधी ही हमारे नेता होंगे, वही हमारे नेता हैं, ये बताने की कोशिश कम से कम इन तस्वीरों से की जा रही है। और यकीनन एक बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ सरकार को बल्कि उन तमाम क्षेत्रीय दलों को भी देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरता है तो फिर उसकी ताकत क्या होती है। कम से कम आज की तस्वीरों को देखकर इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महंगाई पर हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ये तमाम नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के, अपने अपने इलाके से यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी है। एक एक करके सभी संबोधित करते हुए एक तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश। कांग्रेस पार्टी कैसे वक्त में संघर्ष कर रही है जब सिर्फ दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने अपने बलबूते सत्ता में है, बाकी जगहों पर हर जगह वो पीछे ही रहती है। आपको बताते चले कि यहाँ पर स्थिति किस तरह से बनी हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जयराम रमेश ने आज के हल्ला बोल रैली के जरिए क्या दिया है बड़ा संदेश, राहुल गांधी का किस तरह से इंतजार किया जा रहा है इस पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया आज तक ने बातचीत की है सुनिए। मोदी निर्मित बेरोजगारी ने देश के युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। आज रोटी खाना, आज गैस का सिलेंडर भरवाना, आज आटा दाल चावल तेल खरीदना दूभर हो गया है। इसलिए महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल रैली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग देश की जनता के लिए हुंकार करेंगे। हम इसको सिर्फ चुनावी नजरिए से नहीं देखते हैं, ये जनता के मुद्दे हैं। हम जनता हमारी जो भूमिका है, हमें रचनात्मक विपक्ष पार्टी है, संसद के अंदर संसद के बाहर हम जनता की मुद्दा उठाते रहेंगे। अभी आप देखिए ना, अभी रामलीला मैदान जाइए देखिए, हमारे सभी नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये एक विशाल रैली है और ये एक असंवेदनशील मोदी सरकार को जबरदस्त और प्रभावशाली संदेशा भेज रही है। आप सुन रहे हैं किस तरह से आराधना मिश्रा जो कि विधायक है और नेता भी है जो विधायक दल की उत्तर प्रदेश से, वो मंच पर बोल रही हैं और यहाँ पे महंगाई पर हल्ला बोल पर किस तरह से कांग्रेस एक संदेश ना सिर्फ सरकार को देना चाह रही है पर बाकी विपक्षी दलों को भी देना चाह रही है। कोशिश ये है कि कांग्रेस अपने वजूद और अपने वर्चस्व की लड़ाई को दिल्ली से शुरू करे। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस यहाँ पे तमाम जो प्रतिद्वंदी है विपक्ष में उनको भी संदेश दे रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये वो जगह है जहाँ से पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा था, उसने यूपीए 2 को उखाड़ फेंका था, उसके बाद 3 साल बाद अब कांग्रेस यहाँ पे दोबारा रैली कर रही है। 2019 में रैली की थी और उसके बाद अब कांग्रेस कर रही है, इसके मायने बहुत सारे हैं।